अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है न्यूज 18 इंडिया पर। यहां अखाड़ा में प्रमोद सावंत गोवा के नए सीएम होंगे, तो आला हाईकमान बीजेपी के ये तय कर चुका है कि गोवा के लिए अब प्रमोद सावंत ही आगे बने रहेंगे मुख्यमंत्री। उनके नाम पर मुहर लग गई है। विधायक दल की मीटिंग में औपचारिक तौर पर ऐलान होगा, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री जी के साथ और बीजेपी के आला लीडर्स के साथ हुई मुलाकात का की तस्वीरें, के फोटोज, के चित्र ट्विटर पर ट्वीट किए हैं। साथ ही ये खबर भी आ रही है कि बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उनके नाम पर भी मुहर लग चुकी है। प्रमोद सावंत और बीरेन सिंह की अगुवाई में बीजेपी ने गोवा में और मणिपुर में चुनाव जीता था। कई जगह अटकलें लगी थी कि क्या प्रमोद सावंत बने रहेंगे, लेकिन प्रमोद सावंत की अगुवाई में बीजेपी को मिले 20 सीटें और बड़े आराम से सरकार बनाने की जो उनकी परिस्थिति पहुंची है, जिसकी वजह से प्रमोद सावंत पर अब भी विश्वास जताया है बीजेपी की आला लीडरशिप ने, और उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। औपचारिक ऐलान विधायक दल की मीटिंग में होगा। एन बीरेन सिंह की अगुवाई में भी बीजेपी ने अपने आप ही बहुमत हासिल किया था, प्राप्त किया था मणिपुर में। 60 सीटों में से 32 सीटों में विजय मिली थी, और उसके साथ उनके अलायंस के साथ अब बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पर है वहां नेडा अलायंस के जितनी पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर मणिपुर में बीजेपी। तो प्रमोद सावंत के नाम पर मुहर लग चुकी है। थोड़ी देर पहले प्रमोद सावंत ने ये चित्र पोस्ट किए जहां उन्होंने कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दिल्ली में मिला, उनके और साथी मेरे साथ ही। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि जी और सदानंद सेठ भी मौजूद थे, और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन सतीश ढोंड भी मौजूद थे। इन सब के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले प्रमोद सावंत। यही वो चित्र हैं जो उन्होंने ट्वीट किए हैं, और यहीं पर शायद ये मुलाकात उनके नाम पर मुहर लगने के बाद हुई है, और प्रमोद सावंत ही अब गोवा के मुख्यमंत्री होंगे। ये औपचारिक ऐलान विधायक दल की मीटिंग के बाद किया जाएगा या वहां किया जाएगा, लेकिन यहां सूत्रों के हवाले से खबर है, यतेंद्र शर्मा की खबर है, कि प्रमोद सावंत गोवा और एन बीरेन सिंह मणिपुर, इन दो नामों पर मुहर लग चुकी है। गोवा में हर घर नल हर घर जल की बात को पूरा किया, हर घर में बिजली इसको पूरा किया, इन वादों को पूरा किया, और 2017 में जहां सिर्फ 13 सीटें जीत पाई थी बीजेपी, अब की बार 20 सीटें जितवाई बीजेपी को, और सीधा हाफ वे मार्क पर खड़ा कर दिया। 40 में से 20 सीटें बीजेपी को जिताई प्रमोद सावंत। खुद अपनी सीट भी 4000 वोटों से ज्यादा पर जीते थे, जिसकी वजह से अब प्रमोद सावंत पे फिर से कॉन्फिडेंस दिखाया है बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने, और कहा है कि आप ही मुख्यमंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस बात को सेटल कर दिया गया है दो राज्यों में, मणिपुर और गोवा में। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ही हैं, उत्तराखंड में अभी भी पूछा जा रहा है कि कौन मुख्यमंत्री होंगे।